आज मैं आपको बहुत ही अच्छे असरदार अचूक उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर सास ससुर जेठ जेठानी देवरानी या देवर या हस्बैंड के साथ आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, बिना वजह ही आपके झगड़े होते, अनबन होती रहती, तो ऐसे में क्या उपाय आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल इंदु जी के रेमेडीज पे। सबसे पहली बात तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी सोचना है कि भले सामने वाले के कर्म कैसे भी हो, आपको अपने शब्द कभी भी बुरे वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने। आपको अपना मन साफ रखना है, अपने जो भी कर्म है वो आपको करते चले जाना, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको पूरी करनी है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। मैं मानती हूँ कि ये बात आपको शायद डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन एक वक्त के बाद इसका रिजल्ट मिलता है। पेशेंस रखना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। मन से भी आपको पॉजिटिव सोचना है, दिल से आपको काम करना है, आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा, ये बात लिख के रखिएगा, ये कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इसके अचूक असरदार उपाय जो कि आप आजमा सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर ससुर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब है, अनबन चल रही है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप पानी ले लें किसी भी ग्लास में, या तांबे का अगर लोटा होगा तो बहुत ही बेस्ट, नहीं तो नॉर्मल स्टील की ग्लास में आप पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा आप डाल दीजिए और फिर ये जो पानी है, ये जो जल है, आपको सूर्य को चढ़ाना है रोज़। अगर आप कर सके 21 दिन तक तो बहुत ही बेस्ट होगा। अगर आपको इस बीच में पीरियड्स आ जाए तो आप स्किप करके कंटिन्यू आगे कर सकते हैं, नहीं अगर आप ऐसा कर सकते तो हर रविवार को आप हमेशा इसको करते रहिए, तो ऐसा करते रहने से भी परिवर्तन आएगा। कोशिश करें कि सुबह 9 बजे से पहले आप सूर्य को अर्घ्य दे दें। अब बारी आती है सास की। अगर सास के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब है या बिना वजह ही अनबन चलती रहती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी पूर्णिमा आती है तो आपको उस दिन खीर बनानी है। चावल की खीर आपको नहीं बनानी है, ऐसे में साबूदाने, सेवई या मखाने की खीर आपको बनानी है और ये खीर को आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना है कम से कम 1 घंटा, और बाद में उसी दिन या दूसरे दिन आपको अपनी सास को ये खिला देना है और आपको खुद भी खा लेना है, बाकी घर के मेंबर्स भी इसको खा सकते हैं। ऐसा पॉजिटिव इंटेंशन देते हुए अगर आप करते हैं तो बहुत ही जल्द आपके रिलेशनशिप अच्छी हो जाएंगे। पॉजिटिव इंटेंशन उसमें ये देने हैं कि हम दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार आ चुका है, हम दोनों के रिलेशनशिप में मधुरता आ चुकी है, हम दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया और अब हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा करते हुए अगर आप वो खीर खुद भी खाते, उनको भी खिलाते, तो आप बहुत ही जल्द परिवर्तन देख पाएंगे। अच्छा, अगर आपके जेठ जेठानी या देवरी देवरानी या किसी और फैमिली मेंबर के साथ आपके रिलेशनशिप खराब है या अनबन बिना वजह होती रहती है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी एक शहद की बोतल ले ले, रेडीमेड आपको पूजा की दुकान से मिल जाएगी। अब एक कागज़ पे आप लाल कलर की पेन से सभी के नाम लिख लीजिए, ठीक है, अपने नाम के साथ साथ अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का और जितने भी परिवार के मेंबर्स हैं आप सभी का लिख सकते हैं, उसमें सास ससुर का नाम भी लिख सकते हैं। ये कॉमन रेमेडी मैं घर के सभी मेंबर्स के लिए बता रही हूँ। अब इस पर्ची को आप फोल्ड करेंगे, उस शहद की बॉटल में इसको डाल देंगे, बंद करेंगे और घर में कोई ना कोई तो गमला होगा, उस गमले के अंदर आप इसको मिट्टी में दबा देंगे। अगर गमला नहीं है तो घर के बाहर गार्डन में या सोसाइटी में कहीं पे भी जाके पेड़ के नीचे मिट्टी में जाके आप दबा देंगे। ये जो उपाय आपको करना है ये गुरुवार वाले दिन यानी कि थर्सडे वाले दिन आपको करना होगा। अच्छा, अब अगर आप अपने पति के साथ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं और आपके पति बिना वजह ही आपको गुस्सा करते रहते हैं, बिना वजह ही डांटते रहते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे में जब भी आप उनको पानी देते हैं या आप उनको खाना खाने के लिए देते हैं तो उसमें आपको शब्द बोलने हैं शांतमम पापमम, शांतमम पापमम। हार्डली आपको 30 सेकेंड्स के लिए बोलना है, अगर नहीं टाइम मिले तो आपने इसे 5 या 10 सेकेंड के लिए भी बोल दिया बार बार इस शब्दों को, तो उससे भी फर्क आएगा। इतना बोलने के बाद आपको ये बोलना है कि हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत ही प्यार भरा हो गया, हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हर परिस्थिति में। तो ये उपाय आप ज़रूर से कीजिएगा, लेकिन आप अगर और भी ज़्यादा फास्ट इसका रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप शुगर रेमेडी कर सकते हैं। शुगर रेमेडी पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया,
उसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में आप दे दूंगी, तो आप वो वीडियो जरूर से देखिएगा या आप सर्च करें शुगर रेमेडी बाय इंदु आहूजा, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही सुपरबली काम करता है और लोगों के बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट उसमें आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, बिना वजह ही झगड़े ना हो, सबकी सेहत अच्छी रहे, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप गेहूं पिसवाते हैं तो आपको शनिवार वाले दिन ही पिसवाना चाहिए और उसमें कोशिश करें कि एक मुट्ठी या थोड़े से काले चने भी आप डलवा दीजिए और साथ में इसको पिसवा लीजिए। अगर आप रेडीमेड भी लेते हैं तो एटलीस्ट थोड़ी सी गेहूं में चने डाल के शनिवार को जरूर से आप कभी कभी पिसवा लें, भले आप 2-3 महीने में एक बार ऐसा करेंगे तो भी इससे परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव इंटेंशन देते हुए कि घर में बहुत ही ज़्यादा सुख शांति है। अच्छा, अब ओवरऑल एक और मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा, आपके बच्चों के साथ भी इससे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, हस्बैंड वाइफ के आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, सास ससुर या आपके किसी और के साथ भी अगर रिलेशनशिप फैमिली में ख़राब है तो उससे भी आप देखेंगे परिवर्तन आ रहा है, घर में सुख शांति आ रही है या घर में बिना वजह जो क्लेश है वो होना अब बंद हो गए। सिंपल सा आपको यहाँ पर दुर्गा चालीसा रोज़ पढ़ना है। रोज़ अगर आप नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट शुक्रवार आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, मनोकामना करते हुए कि इस घर में सुख शांति आ चुकी है, हम सब परिवार एकजुट है, हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं, ऐसी मनोकामना करते हुए अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं मन से तो जरूर से देखिए आप उसका पॉजिटिव रिजल्ट देख पाएंगे। और जो भी आज मैंने आपको उपाय बताया ना, ये आप करके जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पे मुझे मैक्सिमम कमेंट्स आए थे कि हमें ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो आप इस पे वीडियो जरूर से बनाइएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने भी वो कमेंट्स किए थे वो मुझे बहुत ही जल्द यहाँ पे नीचे गुड न्यूज़ देंगे कि उनके काम होने लग गए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत महिलाओं को ये दिक्कतें आ रही है, तो ऐसे में आपके वीडियो शेयर करने से उनकी प्रॉब्लम भी दूर होने लग जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन आप प्रेस कर लीजिएगा, इससे जो भी आगे आने वाली वीडियोस है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। मेरे दूसरे दो चैनल इंदु आहूजा और वर्ल्ड ऑफ बिट्टू को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वो चैनल पसंद है तो। आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे इंदु जी के रेमेडीज नाम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं अलग अलग तरह के वीडियोज अब डालने लगी हूं और उसी के साथ साथ मैं फेसबुक पे लाइव भी जाने लगी हूं। तो चलिए, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।